और बाकी जी आप लोगों से जो है एक बात तो शेयर करना भूल ही गए, और वह एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी थी, और यह खुशखबरी हम लोगों को जो है कुछ देर पहले ही सुना देना चाहिए था। कोई बात नहीं जी, अभी आपको बता देते हैं। वह खुशखबरी जो है बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली हम लोगों का जो है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा हम थे ससुराल, और अब आ गए हैं जी अपने घर। जी हाँ, हम तो आए ही हैं, साथ में क्रियांश भी आ गया है, फाइनली अपने दादा दादी के पास जो आ गया है। और जब से आया है लगभग हम लोगों के आए हुए लगभग एक घंटा भी हो गया है, नीचे से ऊपर नहीं आया अभी तक। और यहाँ पर जिया जो है आते ही नहीं, जिया के बारे में बताने वाले थे, जिया को डायरेक्ट दिखाना था हमको। तो वहाँ से जो हम लोग गंगा जल भर के लाए हैं पूरा एक गैलन, लगभग 15 लीटर का जरूर होगा वह। और उसके बाद जो है जी अपना नहा करके पूजा कर रही है। और ये अभी जो मैं डर गई थी ना, इतना ज्यादा मैं डर गई थी, पता नहीं जब भी मैं डरती हूँ कोई भी, उस टाइम मैं मुंह से भगवान का नाम आता है। तो आपको बताते हैं जी वह क्या कारण था, किस वजह से जिया इतना ज्यादा डर रही थी। नहा करके सबसे पहले मैं पूजा कर रही। बात ही कुछ ऐसी हो गई थी जी कि कोई भी डर जाएगा, सच में जी आज तो हम लोग बच ही गए, मतलब भगवान साथ में थे, इसीलिए समझिए कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से रह गया। और जिस तरीके से वहाँ होने वाला था जी, ओह बात करते हैं तो उसके बारे में, स्थिर से एक बार मन शांत होने दीजिए। The next day. तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, और आइसक्रीम वाले भैया आ चुके हैं पीछे, तो हमने बोला कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है बहुत दिनों से, तो फिर पति देव गए आइसक्रीम लेने के लिए। कौन सा ले रहे हैं? रबड़ी कुल्फी। ठीक है भैया, नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है ना? ठीक है। ये भैया हमारे घर में काम करते थे। तू खाएगा? खाएगा तू? ऐ लड़की, तुम तो साफ लड़की लग रही हो, जाएगा नीचे, देख रहे हो कितना बदमाश हो गया है। खाएगा तू? जल्दी शर्माते हुए बता दो, क्या आइसक्रीम क्या? तो यहाँ पर जो है सभी लोग अपना आइसक्रीम खा रहे हैं हम लोग, और बहुत मजा आया जी, एकदम मलाई का स्वाद आ रहा है इसमें, बहुत अच्छा लगता मुझे ये वाला आइसक्रीम। कौन सा था ये? रबड़ी कुल्फी। तो अच्छा स्वाद है लेकिन सच में, मुझे डेयरी का हमेशा लिया करते थे, लेकिन इस बार जो है वरी लाल का ट्राई किया, वो भी तो अच्छा, इसका भी अच्छा लगा। और क्रियाश जो है खाता नहीं, बस आएगा एक बार पापा, एक बार मम्मा, मम्मा नहीं जिया, बस ये क्या करना है, पार्सल लेगा उसको फेंक देगा क्या तुमसे नीचे नीचे जो काम है। बस तो आइसक्रीम सब्जी अपना खत्म कर लिया, और अब सोचा कि हम तबीयत सबको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था जी। जी हुआ क्या था कि हम लोग जो है आ रहे थे जिया के गांव से, और जिया के गांव से आ रहे थे अपने कटिहार के साइड, तो एक बीच में रास्ता आता है, कौन सा जगह है शायद? नहीं नहीं कोलासी पुल नहीं, उससे पहले कोलासी, और लगता है शायद डिगरी से भी पहले आता है वह। तो वह ऐसा पुल है जी कि आपको सामने वाला साइड से कौन आ रहा है आपको नहीं दिखेगा, इस टाइप का ऊंचा है वो जो पुल होगा, उसका फोटो होगा तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो हो क्या रहा था जी, हम लोग चल के जा रहे थे आराम से, और उधर सामने वाली साइड से जो है एक ट्रक जो है इतनी तेज स्पीड में आ रही थी कि पूछिए मत, इतनी तेज स्पीड में, और वह भी रॉन्ग साइड से। तो हम लोग को लगा कि भाई आज तो गए हम लोग, जिस तरीका से वो अब बिल्कुल, और इतना रफ चला रहा था, इतना स्पीड चला रहा था, लग रहा था जब तक ये ब्रेक लगाएगा कल्याण ना कर दे। मैंने क्या किया कि गाड़ी को नहीं चलाया, गाड़ी को चुपचाप वहीं पर खड़ी कर दिया, भाई साहब जाइए बस यहाँ से, उसको कुछ भी साइड दिखे, और भगवान का नाम जप किया हमने। भगवान का नाम जप कर रहे थे कि भाई जो भी ये चला रहा है जरा ढंग से चलाए, साथ में बच्चा था, फैमिली थी, वो इतनी स्पीड में था कि वो आगे पीछे देख नहीं रहा था, बस वो भागे जा रहा था वो। तब उसके बाद जो है भाई साहब वो जो है ट्रक पास किया, और मेरी गाड़ी में जो है एक बार ट्रक से और हो चुका है, एक और ट्रक वाले भाई साहब ने कारनामा किया था कि हमारी साइड का जो एक शीशा था उस पर टकरा करके निकल गए थे एकदम। तो इस तरह करके कुछ जो है होता रहता है, तो रोड है जी, जब भी रोड पर चलते हैं तो बस भगवान का नाम लेकर के ही चलते हैं। और अच्छी बात ये थी ना कि ये स्पीड नहीं चलाते, धीरे चलाते हैं, तो इस वजह से तुरंत इन्होंने गाड़ी को साइड कर दिया फटाक से, तो वो इतनी स्पीड में आ रहा था ना कि हम भी अगर स्पीड में रहते तो अनबैलेंस हो जाता गाड़ी आराम से, या तो उसमें टकरा जाता या नहीं तो अनबैलेंस होकर के रोड से शायद उधर चल गए होते हम लोग, तो कुछ ऐसा सीन हो जाता। और बेटा बहुत बदमाशी कर रहा है, देख रहे हैं इसके रहते हुए जो है कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो भी बात है वह कह सके, और भगवान का जो है बार बार फिर से जो है शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, क्या करे क्या नहीं।
बिल्कुल, तो बचा लिया जी भगवान आपने सच में जी। पूरी फैमिली थी यहाँ पर और सभी लोग जो वहाँ से आ रहे थे, तो मतलब क्या होता और हमने जो अभी तक घर में जो है किसी को बताया भी नहीं कि इस तरह का सीन सब हुआ। अच्छा, रात में बता दी थी। चलिए, तो मुझे लगा कि अब इस वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, तो आगे जो भी होना होगा उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अभी तक जो है मम्मी कुछ बोली नहीं है, तो मतलब लगता है कि तो लगता है कि ज्यादा असर हुआ नहीं है, नहीं तब भी कुछ ना कुछ लगता ही है डांट। तो ऐसी थी कुछ बात जी। और बाकी जी आप लोगों से जो है एक बात तो शेयर करना भूल ही गए, और वह एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी थी, और यह खुशखबरी हम लोगों को जो है कुछ देर पहले ही सुना देना चाहिए था, लेकिन ध्यान से उतर गया तो जिया बोली कि हम तो ये बात बताए ही नहीं। असल में उस रिलेटेड जो है पोस्ट हमने इंस्टा पर भी डाला था, यूट्यूब पर भी डाला था, नहीं यूट्यूब पर नहीं डाला था, इंस्टा और फेसबुक पर डाला था बस, तो यूट्यूब पर नहीं डाला था, तो इसलिए आप लोग जो है उस खुशखबरी से जो है थोड़ा महरूम रह गए। कोई बात नहीं जी, अभी आपको बता देते हैं वह खुशखबरी जो है, बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली हम लोगों का जो है क्या है खुशखबरी, बिल्कुल जी हाँ जी, तो हम लोगों का फेसबुक पर जो है 1 मिलियन हो चुका है फैमिली कंप्लीट। और थैंक यू जी आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना जो है यह सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ऐसे ही जी अपना प्यार बरसाते रहिए, सपोर्ट बरसाते रहिए, और हम लोग जो है ऐसे ही आते रहेंगे। फेसबुक को तो हम लोग साइड के तौर पर लेके चले थे, मेन हमारा फोकस रहता था यूट्यूब और इंस्टाग्राम। वो बाप रे, क्रिया से बदमाशी कर रहा है। तो दीदी कुछ बोलना चाहेगी? चलो माँ का भी कुछ सब सुन लेते हैं। 1 मिलियन हो गया फेसबुक पर, शुरू से आज तक यही कहते अपना अच्छा कर और मेहनत, ईश्वर भक्ति, बड़ा का आशीर्वाद, छोटे का स्नेह, जब तक ये क्रिया जारी रखोगे भगवान आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल जी, तो उम्मीद करते हैं जी कि यह जो माँ बोली है उसी को हम फॉलो करते रहे और भगवान भी जो है अपना आशीर्वाद बरसाते रहे, और आप लोग का जो यह आशीर्वाद नहीं बरसाते जब तक आप अच्छा कर्म नहीं कीजिएगा तो प्रभु की दया नहीं होगी। हाँ जी हाँ जी, तो अच्छा कर्म कीजिए, ईश्वर का दया पाते रहिए। सही बात है जी। और माँ बाप का चरण जो है भगवान का दूसरा मंदिर माना गया है, इसलिए माँ के आँख में बाप और पिता के आँख में अगर आंसू होता है तो समझो कि ईश्वर रो रहे हैं। हाँ जी, तो कुछ ऐसी बात है, और धन्यवाद भी कहना चाहेंगे कुछ हमारे अपनों का, जिनका मुझे ध्यान है कि जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे अपना चैनल, अपना सोशल मीडिया का यह जर्नी, तो बहुत सारे विरोध और बहुत तरह का जो नहीं कहते हैं कुछ ना कुछ चल रहा था उस समय, तो उस समय जो है डिगे नहीं दी, अपना जो एक लक्ष्य था उससे, और उस लक्ष्य के प्रति जो हम लोग काम करते रहे, और आज देखिए बात क्या है कि यहाँ तक आप लोग पहुँचाए। और आज जो लोग पहले विरोध करते थे और जो लोग कहते थे कि यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, आज वो भी सराहना करते हैं, और जब भी इस तरह का कुछ भी ओकेजन आता है कि कभी 1 लाख फॉलोवर हुए, कभी 2 लाख हुए, कभी 3 लाख हुए, तो इस तरह का जब भी हम लोग पोस्ट डाल रहे होते हैं तो उनका भी कांग्रेचुलेशन आता है। तो बिल्कुल जी, तो ऐसे ही आप लोग जो है प्यार और सपोर्ट जो है बरसाते रहिए। हाँ, मान लो कोई अगर निगेटिव कमेंट किए हैं तो हम इसके लिए हमको बुरा नहीं मानना चाहिए कि जब लोग शुरुआती दौर में कोई चीज काम करता है तो सबको नया लगता है ये क्या कर रहा है। बिल्कुल, जब भगवान उसको ख्याति देते हैं तो उस जो कहता है या जो समाज का आदमी है वह आशीर्वाद देता है, सराहना करता है और परिचय देता है। बिल्कुल, तो अब ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म करके हमें जो भी बात कहना था जी अपनी तरफ से बातें कह दी, और धन्यवाद एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे जो भी है जहाँ भी है आप ही लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से है। तो उम्मीद करते हैं जी आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा देखने में, अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।